आपको बता दें कि बीते रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी 9 वर्ष प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या विकास किया या नहीं किया इसको छोड़ दीजिए। इस 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं को रोजगार दिए या नहीं दिए ये भी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 वर्ष में बिहार के विकास के लिए क्या किया या क्या नहीं किया ये भी छोड़ दीजिए। किंतु इस 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए एक भी समीक्षा बैठक की हो तो आप हमें बताएं, हम बीजेपी का झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हैं। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर, देखिए इस वीडियो में। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया नहीं किया इसको छोड़ दीजिए। बिहार का विकास हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 वर्ष में लड़कों को रोजगार मिला कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक समीक्षा बैठक किया है उसका प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से भाजपा का झंडा लेकर चलने को तैयार। 9 वर्ष में वो बैठक नहीं किए, 9 वर्ष में मोदी जी ने एक बैठक तक नहीं किया, लेकिन आप और हम फिर हमने के जाई जाई या कमर पर उछल उछल के बटन दबावल जाई, राहु दुर्गति ना हो तो हमार दुर्गति हुई। गांव लेकर जाके गुजरात में मजदूरी ना करे तो गुजरात के आदमी आके बिहार में मजदूरी करी, ये नहीं सुधर सकता। यही बताने के लिए गांव गांव घूम रहे संकल्प लेके कि जाके सबके समझाई, सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, संकल्प लीजिए कि दो ही चीज पर वोट देंगे, शिक्षा और लोगों को रोजगार। जब तक शिक्षा और रोजगार नहीं होगा तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा।